हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की वीडियो लिब्रा कैल्क की है और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि लिब्रा कैल्क में हम जो कुछ भी बनाते हैं, एक्चुअल आप तो जानते ही हैं कि लिब्रा कैल्क एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है और उसे हम पासवर्ड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बात करें एमएस एक्सेल की तो उसे तो आप जानते हैं कि पासवर्ड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं पूरी फाइल को, लेकिन लिब्रा कैल्क में ये कैसे होगा इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिब्रा कैल्क को ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं लिब्रा कैल्क ओपन हो चुका है। इसके फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .ods और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक ही शीट दिखती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको तीन शीटें दिखती हैं। अब इस पर आपने कुछ भी लिखा या कोई भी इस पर डेटा आपने इनपुट किया, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने इनपुट किया नेम और फिर यहाँ पर इस तरह से ये आता चला जाएगा और हम टोटल कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यही एक छोटा सा डेटा मैं बना रहा हूँ और यहाँ पर चाहे तो आप ड्रॉपडाउन बना सकते हैं। ड्रॉपडाउन बनाना आपको नहीं आता तो यहाँ डेटा पे चले जाइए और यहाँ से वैलिडिटी पे जाइए और वैलिडिटी पे जाने के बाद यहाँ पर ऑल वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर आपको करना है लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर लिस्ट टाइप करनी है, जैसे राम, सचिन, ये इस तरह से ये ड्रॉपडाउन तैयार हो गई हमारी। आप देख सकते हैं ये इस तरह से ड्रॉपडाउन आई हुई है। यहाँ पर कोई भी नाम आप चूज कर लीजिए। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर भी नाम चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जितना पार्ट सेलेक्ट कर रखा है वहां तक ये ड्रॉपडाउन शो करेगा, ठीक है। और एट लास्ट इसको भी ले लेते हैं, उमेश को। और अब यहाँ पर नंबर चाहिए तो ये नंबर हम रैंडमली लेके आएंगे, जैसे कि एक्सेल में लेके आते हैं। यहाँ पर भी रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आपको मिल जाता है, लेकिन यहाँ आप टैब प्रेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब आपको शिफ्ट प्रेस करके और 9 नंबर अल्फाबेटिक बटन जो है वहां से लगाना पड़ेगा। बॉटम में 4 लिखता हूँ, टॉप में 90 लिखता हूँ, क्लोज करता हूँ ब्रैकेट को, एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ एक नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से जाकर के और इसको ड्रैग करना है, ठीक है। इस तरह से ड्रैग कर दिया आपने, ओके। और अब चूंकि ये नंबर है तो ये चेंज हो जाएगा, तो इस वजह से पेस्ट स्पेशल पे जाके और इसको नंबर बना लेता हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा हुआ था, अब यहां पर इसको ऐड कर लेता हूं, ठीक है। ये ऐड कर लिया हमने और यहां पर डबल क्लिक किया। अब इसको हमें पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है, कैसे करेंगे? तो यहां पे आएंगे टूल्स पर और टूल्स पे आने के बाद यहां पर देख सकते हैं आपको मिलेगा, देख सकते हैं ये प्रोटेक्ट शीट और फिर प्रोटेक्ट शीट स्प्रेडशीट स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा स्प्रेडशीट स्ट्रक्चर आपको प्रोटेक्ट करना है तो यहां पर क्लिक कर दें और यहां पर आपको पासवर्ड डालना है, ठीक है, ऑप्शनल है। और यहां पे मैं पासवर्ड एक डाल देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर भी एक पासवर्ड पड़ेगा, सेम पासवर्ड जो ऊपर वाला आपने डाला है। और इसके बाद इसको सेव कर ओके कर देते हैं, फिर यहां से जाके इसको सेव करेंगे। तो सेव करते वक्त इसको मैं डेस्कटॉप पे ही रखूंगा, यहां से चलते हैं इसको सेव करते हैं, पासवर्ड के ही नाम से इसको सेव कर देता हूं, पासवर्ड, ओके, ये कर दिया हमने, एंटर प्रेस कर दिया। तो ये इस तरीके से पासवर्ड से ये प्रोटेक्ट हो गया। और अब यहां पे देखेंगे आप तो आपको यहां पे दिखाई पड़ेगा पासवर्ड नाम से, ठीक है। और अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर डबल क्लिक करता हूं इसको ओपन करने के लिए, जैसा कि देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पासवर्ड डॉट ओडीसी इज लॉक फॉर एडिटिंग बाय अनदर यूजर, कैन नॉट ओपन पासवर्ड ओडीएस, द फाइल हैज बीन प्रोटेक्टेड विथ अ पासवर्ड, यू कैन नॉट ओपन। तो यहाँ पे इस तरह का मैसेज आपको आ जाएगा और ये आपने पूरा का पूरा पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, जो पासवर्ड आपने लगाया अभी इसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, फिर इसको ओपन करने की कोशिश करता हूँ, देखते क्या होता है, फिर वही चीज, ठीक है। रीड ओनली पे क्लिक करेंगे तो भी ये ओपन नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ गई होगी कि लिब्रा कैल्क में ये पासवर्ड से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।